Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Business Studies, topic Types of Companies. There are two types of companies, public company and private company. Public company. A public company means a company which is not a private company. As per the Companies Act, a public company is one which has a minimum of 7 members and no limit on maximum members. B. Has no restrictions on transfer securities. And C. Is not prohibited from inviting the public to subscribe to its securities. However, a private company which is a subsidiary of a public company is also treated as a public company. जो हमारी कंपनीज एक्ट है उसमें पब्लिक कंपनी को क्या बोल कैसे डिफाइन किया गया है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है. इस पब्लिक कंपनी के अंदर 3 मेन पॉइंट्स आते हैं. पहले कि मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए. एक पब्लिक कंपनी अगर आपको रन करनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं दी है. सेकेंड, पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कोई भी. कभी भी कोई भी अपनी सिक्योरिटीज यानी कि अपने शेयर्स को कभी भी कितने भी लोगों में ट्रांसफ़र कर सकता है. कभी भी सेल परचेज बहुत इजीली कर सकते हैं. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स को लेके सिक्योरिटीज़ को लेके पब्लिक कंपनी के अंदर. सी, यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया पब्लिक को टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी. जब भी हम एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. उस प्रोस्पेक्टस से जनरल पब्लिक को लोगों को पता चलता है पब्लिक को कि इस ये एक कंपनी ओपन होने वाली है. इस कंपनी में पैसे लगाने से हमें ये प्रॉफिट मिलेंगे तो लोग उस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं. तो हमारे पे जो पब्लिक कंपनी होती है उनमें कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होता है. कोई भी रोक टोक नहीं होती है. वो जितने पब्लिक को इन्विटेशन देना चाहे उस सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए वो कर सकते हैं. और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी होती है पब्लिक कंपनी की, पर उसको भी हम पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करते हैं. अब हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है. प्राइवेट कंपनी. अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ए रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ अ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है मेंबर्स के कि उनको ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, उनको अगर शेयर्स ट्रांसफर करने तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सेकेंड, बी पॉइंट, has a minimum of 2 and maximum of 200 members excluding the present and past employees. Private company में कहा गया है कि minimum 2 members होंगे तो एक private company start हो सकती है. Maximum उस company के 200 members, 200 members होंगे. 200 members से ज़्यादा उस company, maximum 200 उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. Exclude किसे कर रहे हैं हम, जो भी हमारे present employ हैं या कोई past employees हैं उनको हम exclude करते हैं, उनको हम include नहीं करते हैं इसमें. सी पॉइंट, डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज. प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को अपना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती. कभी भी उनको इन्वाइट नहीं कर सकती कि वो उन कंपनी के शेयर्स को परचेज करें. इट इज नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. इस बात को याद रखिएगा, हर प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना कंपल्सरी है. और आपने बहुत सारे ऐसे पढ़े होंगे, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. इफ अ प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोविजंस, इट सीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी एंड लूजेस ऑल द एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस टू व्हिच इट इज एंटाइटल्ड. अगर प्राइवेट कंपनी में कोई भी, इन्होंने जो भी मैंने प्रोविजंस ये 3 बताए हैं, अगर इनको कॉन्ट्रावेंस होते हैं, इनको नहीं प्रॉपरली वो फॉलो करते हैं, तो कंपनी, प्राइवेट कंपनी सीज हो सकती है. एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे उनको. प्रिविलेजेस जो भी इंटाइटल दिए गए हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर आते हैं वो सब उनसे ले लिए जाएंगे. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अगेंस्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, कुछ एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप समझ सकते हो कि फॉर्म में उनको प्रिविलेजेस दी गई हैं एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी. नंबर वन, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली 2 मेंबर्स वेयर एज 7 पीपल आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी. जहाँ प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स मिलके कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, पर वहीं पे पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए हमें. सेकेंड, देयर इज नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस
as public is not invited to subscribe to the shares of private company. अभी हमने पढ़ा कि public company में हमें prospectus issue करना पड़ता है क्योंकि हम public को invite करते हैं, पर in private company के case में हमें कोई prospectus issue नहीं करना है जिससे हमारी company के कोई भी जो भी data है, जो भी कंपनी की पॉलिसीज है, वो सब पब्लिक में लीक नहीं होती. और क्योंकि हमें इशू भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकते हैं कि वो सब्सक्राइब करें हमारे शेयर्स. थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे जो हम अलॉटमेंट करते हैं, अब यहाँ पे ये आपके लिए नया वर्ड आया है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो होता है इसका प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे क्लास 12th में कंपनीज में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. अभी बस इतना ही समझिए आप कि शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है जो विदाउट रिसीविंग द मिनिमम. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी मिला है तो भी हम अलॉटमेंट कर देते हैं शेयर्स का. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सून एज इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कहने का मतलब ये है कि कंपनी को रजिस्टर कराना तो कंपलसरी. ये ऑलरेडी जब मैंने कंपनी की मीनिंग और डेफिनेशन समझाई थी आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं वहाँ बता चुकी हूँ. तो क्या होता है कि पब्लिक कंपनी अगर खुलती है ना, तो वो जब तक उन्हें पब्लिक से मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम शेयर पब्लिक नहीं कॉल करती है, नहीं उतना शेयर आता है कंपनी पास, तब तक पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी कभी स्टार्ट नहीं हो सकती. पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास क्या प्रिविलेज है कि जैसे ही उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा वैसे वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या नहीं मिला है. फोर्थ पॉइंट, अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स एज अगेंस्ट अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ public company. However, the maximum number of directors are for both types of companies is 50. यहाँ कहा जा रहा है private company में जो directors होने चाहिए वो minimum कितने होने चाहिए, 2. Public company में जबकि होते हैं 3. और पर दोनों की maximum number of directors same है, that is 50. चाहे वो public company हो चाहे वो private company हो, दोनों companies में maximum 15 directors ही हो सकते हैं. पर अगर मैं मिनिमम डायरेक्टर्स की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में 2 एंड पब्लिक में 3. फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा, अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स व्हाइल इन द सेम इज नेसेसरी इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट हो उसको दे, पर पब्लिक कंपनी में हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपको करना पड़ेगा. आई होप आपको ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आज का कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, दैट इज 2, पब्लिक एंड प्राइवेट. पर जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे फ्यूचर में तो आपको पता चलेगा कि एक नई कंपनी और आ गई, दैट इज 1 कंपनी, जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है कंपनी को एज अ प्राइवेट कंपनी. आई होप आज की क्लास आपको समझ आई हो. बहुत क्रक्स में आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इस टॉपिक को, मैंने उसी से कवर कराने की कोशिश की है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए. अगर कोई भी डाउट आ रहा है या आपको इसमें और डिटेल में चाहिए कि मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और डीप में डेप्थ में पढ़ना है इस टॉपिक को. आई होप आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए. आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आई हूँ, दैट इज अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है मेरे से, जहाँ मैं जूम क्लास में ऑनलाइन ट्यूशन्स लेती हूँ, आप मुझे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो. @crystalcommerceclasses ही मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे भी आप अपने क्वेरीज या अपने इंफॉर्मेशन जो भी आप ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस से लेना है, किससे रिलेटेड लेनी है, आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो. आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे ऐसे भी पूछ सकते हो. और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, बहुत रीजनेबल फीस पे मैं ले रही हूँ क्लासेस, रेगुलर बेसिस में होती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.